हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी, दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 11 अगस्त, रक्षाबंधन का दिन है। बुआ जो है वो चली गई है, अब बारी आती है मेरी, मैं जाऊंगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने, आप ये सोचोगे कि डॉक्टर की दुकान से क्यों निकली है, क्योंकि दो दिन पहले जो चश्मे बनने के लिए दिए थे ना मेरे लिए, तो वो बनकर कल आ गए थे। लेकिन कल फिर वही बात है, बुआ आ गई थी और हिमांक के पापा ड्यूटी से, तब उनकी तबीयत ख़राब थी तो फिर कोई लेने नहीं गया। तो मैं सोचा जाते जाते अभी मैं ले लेती हूँ, और कोई भी तैयारी जो है मैं नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं था मेरे पास, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, वही बच्चों के काम में मैं बिज़ी थी। तो अभी जाते जाते सारा सामान जो है वो मैं लूँगी, राखी भी मैंने ली है अभी, और अभी जो है यहाँ पे मैं मिठाई ले रही हूँ, यहाँ पर वो ले रही हूँ, तो मिठाई लेके फिर फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो लेने, काजू कतली, सॉरी मैं नाम भूल गई थी, काजू कतली जो है वो मैंने जो है अभी यहाँ से ली है। और अभी चलते हैं घर की तरफ, और मैं मिलवाऊंगी भी अपने मायके वालों से, क्योंकि आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो आ रहे थे कि दी अपने घर जाओ तब मिलवाना, मैं अपने मायके वालों से तो मिलवाऊँगी मैं। और सबका तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि मैं सबसे मिलवाऊंगी, जो वीडियो में आया तो उनसे मिलवा दूंगी, नहीं आया तो उनसे रह जाओगे भाई। मतलब किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, ना ही किसी को पसंद होता है, वो खुद आ जाता है, बोल देते हैं कि वीडियो बना लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और ये है नवीन, मेरा बड़ा भाई, इसको तो आप जानते हो, आए हुए मेरे को एक घंटा हो गया था, बहन का वेट कर रहे थे, लेकिन वो दिल्ली से आ रही है ना, तो उसको फिर वही दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और फिर हमें भी जो है वो निकलना था। मुझे माँ के पापा को वही एक दिन की छुट्टी है, तो काम काफ़ी सारे हो जाते हैं जो कभी कभी जो हमें निपटाने होते हैं, और उनके बगैर फिर हमारा कोई काम नहीं होता है। और फिर वो है शाम को, छोटे वाली बहन शाम को 5 बजे तक पहुँची, 5:30 आई थिंक, पता नहीं मम्मी कि वो, मतलब उसको काफ़ी लेट हो गया ना। और फिर जो है यहाँ पर जो है हमारी हो गई है राखी थोड़ी देर, ये देखो हिमांक ना मेरे साथ सबको राखी भी बांध रहा है, और सबको टीका भी लगा रहा है, और मिठाई भी जो है वो खिला रहा है। तो जी बस यहाँ पर एक ये शॉर्ट वीडियो जो हमने शूट करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी मैं आपके लिए जो है वो शेयर कर दूँ, मैं डाल दूँ आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो। तो बस अभी जो हमारे वापस, हम करीबन 2-2.5 घंटे रुके होंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे, और उसके बाद जो है यहाँ पर है ना आइसक्रीम, बच्चे ले रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि ना जाते टाइम हिमा के पापा ने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि वो आइसक्रीम जो उनको खिलाएंगे, तो फिर अभी जाते टाइम हम लोगों ने इनको जो आइसक्रीम खिला दिया, वरुण गन्ने का जूस बोल रहा था, फिर आइसक्रीम दिखी तो आइसक्रीम खा ली। और यहाँ पर हम किसी काम से आए थे, फिर मुझे याद आया कि मुझे मेहंदी भी लगवानी है, कल तो मैं लगवा नहीं पाई थी क्योंकि बुआ आ गई थी, फिर बुआ को छोड़कर मैं गई नहीं, और मान लो हिमांक के पापा भी होते घर पे तो मैं चली भी जाती, हिमांक के पापा भी जो है वो अंधेरा हो गया था तब जो है वो आए थे यहाँ पर। और मेहंदी लगवा कर जो है अभी मैं जा रही हूँ वापस, और ये क्लिप दो ना, दो क्लिप्स मेरी जो है वो आगे पीछे हो गई थी। उस दिन ऐसा ही हो रहा था कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा, मतलब कुछ क्लिप्स आगे हो रही है, कुछ क्लिप्स पीछे हो रही है, पता नहीं क्या कुछ जो वो सिस्टम हो गया था। और यहाँ पर जो है मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, डी पार्क पे ही जो है वो मैं लगवा रही हूँ भैया, और भैया ये बोल रहे थे कि आपका जो चैनल है क्या यूट्यूब पे, और फिर उन्होंने बताया कि वो इंस्टाग्राम पे भी जो है वीडियोस वगैरह वो लोग बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत ही जो वीडियोस उन्होंने डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली हैं, उन्होंने अपना अकाउंट दिखाया भी था और उन्होंने पूछा भी था कि यूट्यूब पे वीडियोज़ जो है वो कैसे बनाते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो अभी जो है सुबह के बज गए हैं 9, कल थी राखी, किसी ने कल सेलिब्रेट करी थी, किसी ने कोई आज जो है वो राखी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम लोगों ने कल करी थी, और आज है फ्राइडे, सुबह के 9 बज गए हैं, और अभी तक जो है मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, मैं धीरे धीरे काम जो है वो कर रही हूँ, किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, और अभी बारी आती है घर के काम की, क्योंकि 10 बजे तक मुझे काम ख़त्म करके, मुझे 10 बजे जो है वो मार्केट के लिए निकलना है, और वो कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करके ला रही हूँ मैं, हिमांक के लिए पंसारी की दुकान से ना कुछ दवाई लेकर आनी है, वो दूध में एक भेड़ का दूध है उसमें से, उसमें मिला के उसको जो वो पिलाना है, जो 6 मास का स्वाग होता है, तो वो जो है भेड़ के दूध में घिस के उसको चूर्ण बन जाएगा उसका, और वो थोड़ा थोड़ा मिला के 4-5 दिन उसको पिलाना है, तो वही मैं लेने जाऊंगी। और हिमांक की आज मैंने छुट्टी कराई है, क्योंकि आज इसकी जो है आज से मैं इसकी शुरुआत कर दूंगी, बस ला के तुरंत इसको पिलाना शुरू कर दूंगी मैं, मतलब रगड़ के थोड़ा बहुत, बिल्कुल एक चुट्टी जो है वो मिलाना है। और ये कल मेहंदी लगवाई थी राखी होने के बाद लगवाई, घर जब मैं वापस आ रही थी ना उस टाइम पे,
और स्पेक्स जो है यानी चश्मे जो है मैं अपने ले आई हूँ। मुझे जो है चक्कर भी आ रहे हैं क्योंकि मांसपेशियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, अभी चक्कर आ रहे हैं उसकी वजह से। बट ठीक है, काम तो देखो फिर भी करना ही है, अभी काम कर लेते हैं फटाफट, जितना भी होता है उतना कर लेते हैं। ऊपर का कर लेती हूँ, एटलीस्ट नीचे का रह जाएगा। और अभी तक उस काम वाले ने कोई जवाब दिया नहीं है, देखो कितना वेट करना पड़ रहा है। देखो क्योंकि अभी राखी पे फेस्टिवल्स अभी काफ़ी सारे आ रहे हैं तो छुट्टियाँ वगैरह कर लेते हैं ये लोग भी, तो देखो आ जाएगी या वो कल आएगी, जैसा भी उनके घर पे आएगी यहाँ पे पड़ोस में ही 11:30 आई थिंक, तब तक मैं भी वापस आ जाऊँगी। अभी काम करते हैं, ब्लॉग जितना भी बना हुआ उतना बना लेते हैं, क्योंकि राखी के दिन तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। और तो जी अभी जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, 9 बजे का टाइम है, और यहाँ पर जो है हिमांग का भी थोड़ी देर पहले ही जो है सोकर उठा है, वरुण चला गया, हिमांग के पापा भी चले गए हैं और हिमांग को स्कूल नहीं भेजा है आज। हिमांग के लिए दवाइयाँ आएंगी, वो दवाई पिलानी है, और उससे क्या होता है ना कि जिन्होंने दवाई दी है तो उन्होंने बोला था कि इससे ना बच्चे को दस्त लगते हैं, तो फिर इसलिए मैं इसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ, बस काम ख़त्म करके फटाफट से, और फिर इसके लिए जो है दवाई वगैरह लेने के लिए जाना है। तो जी ज़्यादा कुछ तो मैं देखो वहाँ पे शूट नहीं कर पाई घर पे, बस ये राखी जो हमने बांधी थी ना उसी टाइम जो शूट किया था मैंने, और वहाँ जाके फिर यही होता है कि क्या करें, कोई मतलब कुछ तो लोग कंफर्टेबल होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो शूट करने कैसे फिर जो है वो मन नहीं करता है। राखी का तो मैंने किया था क्योंकि दोनों भाई पहले भी मेरी वीडियोज़ में आ चुके हैं, अगर वो लोग भी मान लो पहले नहीं आए होते तो मे भी शायद मैं शूट बिल्कुल भी ना करती। वो लोग आए हुए थे वीडियोस में पहले भी, तो मैंने वो जो है वो शूट कर लिया था। और बस यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने की तैयारी जो हो रही है, झाड़ू जो है, और किचन आप देख सकते हैं टोटली जो है मेरा किचन एकदम साफ हो गया है। उस दिन जो आने के बाद मैंने कुछ भी जो है वो शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा जो थकावट हो गई थी। एक तो जो है ना वैसी बॉडी की थकावट नहीं थी, आँखों की थकावट थी, और वो जो मतलब मांसपेशियों में जो वो हो रहा है ना उसकी कमज़ोरी की वजह से ना सिर में ना एकदम घूम जाता है सिर, चक्कर आने जो है वो लग जाते हैं। तो जी बस अभी जो है झाड़ू लगा लेते हैं, और ये देखो कितना सारा जो है कूड़ा निकल कर आया है। ये कूड़ा है मतलब ये बच्चे पेंसिल वगैरह छीलते हैं ना वो है, और रिमार्क ने अपने नोटबुक के कुछ पेज वगैरह फाड़ दिए हैं, वो ज़्यादा कुछ कूड़ा तो था नहीं, बस अभी जो है वो पोछा वगैरह लगा देते हैं। एक बार तो मैंने सोचा था कि मैं रहने दूँ, पहले मैं दवाई लेने चली जाती हूँ, फिर ये हुआ कि हिमांग ने ना रसगुल्ले खाए थे और उसकी वजह से क्या ना जगह जगह उसने रस टपका दिया और चींटियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा अभी साथ साथ में पोछा भी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से कोने से जो वो चींटियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो कल वीडियो में मैंने आप लोगों को जो वो सूट दिखाई देना आप लोगों को पसंद आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी ना पसंद ऐसी ही है, ना ज़्यादा मैं महंगे पहनती हूँ ना ज़्यादा सस्ते पहनती हूँ, मतलब बीचे का पसंद आने को मेरे को 500 का भी पसंद आ जाए, ना पसंद आए तो मेरे को 5000 का भी पसंद आए, ऐसा ही है होता है अभी पसंद के ऊपर मेरा ऐसा ही सिस्टम है। और यहाँ पर अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फटाफट से क्या होता है मैं फिर भाई का फ़ोन आया था कि वो इस तरफ आ रहा है छोटे वाला तो आ रहा है, तो मैं सोचा कि उसके साथ ही जाकर मैं भाग कर दवाई ले आऊँगी, और तब तक तो ना मैं पोछा लगा रही थी, इस टाइम तक तो दूध वाला भी नहीं आया था, और फिर ऐसे जो है बिना दूध लिए मैं जा नहीं सकती। फिर मैं सोचा मैं कहा भी मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं अपना दूध वगैरह लेने के लिए मैं चली मतलब आएगा ना उसके बाद जो है वो मैं चली जाऊँगी। और यहाँ पर जो है वो हिमांग मेरे को कुछ अपना वो दिखा रहा था, और बस यही था कि बहुत बार मतलब थकावट ऐसी हो जाती कुछ भी करने का मन नहीं करता। और जैसे उस दिन बुआ आई थी तो बुआ आई थी उस दिन भी रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, थोड़ा वो जो मैं मार्केट में गई थी सूट वगैरह लेने वो शूट किया था, और आने के बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं शूट, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ही थोड़ा वो जो वो शूट किया था। वैसे ही कल मैं गई थी तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और हिमांग की बुआ आई नहीं थी, तो फिर जो है हम लोग जो है आने के बाद फिर मैंने आराम किया क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन हो गया था। अभी लगा लेते हैं पोछा। अच्छा काफ़ी सारे कमेंट्स ना मेरे मंदिर को लेकर आ रहे हैं कि दी मंदिर बहुत छोटा है इसको बड़ा करवा लो या बड़े साइज़ का बनवा लो, फिटेड जो होता है ना वो बनवा लो, दीवार में जो बनता है फिक्स होता है ना वो बनवा लो। तो जी अभी क्या ना मंदिर मेरे पास पहले काफ़ी बड़े वाला था, बहुत बड़े वाला मंदिर था मेरा जहाँ मैं किराए के घर में रहती थी ना पहले कुछ टाइम तक हम लोग रहे हैं जब तक हमारा ये घर बन रहा था तब तक, तो वहाँ पर गलती से ना वो मंदिर जो है हिमांग से सॉरी वरुण से वो टूट गया था, और टूटा हुआ मंदिर फिर घर में रखते नहीं हैं। और वहाँ पे क्या होता था ना कि वो बड़ा वो मंदिर बहुत बड़ा था, हैवी भी बहुत ज़्यादा था, तो उसको दीवार में टांग कर नहीं रख सकते तो नीचे गिर सकता था, तो हिमांग क्या करता था ज्योत वगैरह तो जलती ज्योत को भी ना वो गिरा देता था,
जब ऐसे मैंने जोत लगाई और मैं किसी काम में लग गई तो वो ना उस चीज़ को गिरा देता था, तो ऐसे ना आग लगने का डर भी रहता था। तो मैंने जानबूझ के अभी ये छोटे वाला मंदिर लिया। हिमांग थोड़ा समझदार हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद हम जो है वो बड़ा मंदिर, एक फिटेड मंदिर होता है, वो हम करवा लेंगे। तो अभी जो मैं सूट वगैरह चेक कर रही थी, इनमें से सूट मेरे को सिलने के लिए देने थे, और ये दोनों सूट कल मम्मी ने दिए थे, और बच्चों के लिए ड्रेस के जो है वो कपड़े मतलब पैसे दे दिए थे कपड़ों के। तो अभी ये जो है वो सूट में चेक कर रही थी, और ये ना एकदम प्योर का दुपट्टा जो बोलते हैं ना वो था, और ये वाले दुपट्टे सिकुड़ जाते हैं, फिर खींचो तो खुल जाते हैं, ये इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं। ये ना कलर जो है एकदम लाइट सा डस्टी सा कलर जो लग रहा है, पिंक कलर में है ये, और पता नहीं कैमरे में कैसा क्यों आ रहा है, लेकिन इसका कलर काफ़ी मतलब वो बहुत अच्छा है। गले पर इसका काम है और बंदेज टाइप में ये चुन्नी है, और बहुत ही प्यारी जो है वो चुन्नी थी, और वाइट कलर के मोतियों का जिसपे काम है। और इधर मैं यही देख रही थी अभी मैं कौन सा सूट सिलवाऊं, तो मैंने सोचा फिर ये पिंक वाला तो मैं बाद में सिलवा लूँगी, अभी ये दूसरे वाला जो ये है ना फिर ये सिलवा लूँगी। तो बीच में जो है कूड़े वाली गाड़ी जो है वो आ गई थी, तो ये वाला सूट मैं चेक कर रही थी कि ये वाला चुंदड़ी वाला सूट है ना, और आजकल मेरा आना जाना बाहर बहुत रहता है, और बाहर है ना धूप में चुन्नी से काम नहीं चलता है भाई, तो चुंदड़ी वाले आजकल मैंने ना 3-4 सूट जो वो सिलवाए, तो मैंने सोचा ये वाला सूट जो है वो मैं सिलवा लेती हूँ, ये चुंदड़ी वाला है और दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा जो है वो सूट था। और बस अभी जो है मैं ये नहीं कहूँगी ज़्यादा महंगे हैं, ना मैं ये कहूँगी ज़्यादा सस्ते हैं, सबका अपना अपना वो होता है भाई। तो बस सूट मेरे जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो बस ये अभी जो है व्लॉग एंड करूँगी मैं यहीं पे, क्योंकि मुझे नहा कर फिर जाना भी था, और फिर भाई का फ़ोन आ गया था, फिर मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो गया कि बाइक पे जाऊँगी तो मेरे को 10 मिनट में मैं वापस भी जो है वो आ जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।